नमस्कार, बहुत स्वागत आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज, आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। कैसे चुनावी रणनीतिकार, चुनावी चाणक्य प्रशांत किशोर की बड़ी भविष्यवाणी की, तीसरी बार पीएम मोदी देश के प्रधानमंत्री बनने वाले, इसमें कोई शक नहीं है। उन्होंने ये तक कह दिया कि अगर ये भविष्यवाणी सच नहीं हो तो मेरे मुंह पर गोबर पड़ जाए। दर्शकों, आंध्र प्रदेश के जगनमोहन रेड्डी को भी लेकर बड़ी भविष्यवाणी प्रशांत किशोर की। कहा 151 से ज्यादा सीटें आ जाए तो यहां पर मेरे चेहरे पर गोबर पड़ जाए। हालांकि गोबर जगनमोहन रेड्डी के चेहरे पर पड़ने वाला है। बड़ी खबर, प्रशांत किशोर ने एक बड़ी बात कह दी है। कह रहे हैं कि इस रिजल्ट में अगर 151 से ज्यादा सीटें आ जाए जगनमोहन रेड्डी की पार्टी को तो प्रशांत किशोर के मुंह पर गोबर पड़ जाए। जो मैं कह रहा हूं वह सही हो गया तो वैसे जगनमोहन रेड्डी के मुंह पर गोबर पड़ेगा। दर्शकों, आपको बता दें, लगातार चुनावी चर्चा तेज हो रही है। इसी बीच उन्होंने कहा है कि जमीनी स्तर पर कहीं कहीं पर भले ऐसी आप खबरें सुन रहे होंगे कि सरकार से लोग खफा हैं, लेकिन इस बार पिछले बार से भी ज्यादा सीटें आने की कवायद तेज है। नरेंद्र मोदी की बहुमत से सरकार बनेगी। बार बार देखिए प्रशांत किशोर कह रहे हैं और कह रहे हैं भाजपा का प्रदर्शन पिछले चुनाव से भी अधिक अच्छा होगा। बता दें आपको, लगातार यहां पर सेंचुरी बनाने की बात कर रहे हैं प्रशांत किशोर और कह रहे हैं कि इस बार भी पीएम आएंगे। आप सबसे कंजर्वेटिव एस्टिमेट को भी सुन लीजिए, ये ऐसे है जैसे आप सेंचुरी बना लें। तो आप सेंचुरी लगातार बनाए जा रहे हैं, एक सेंचुरी आपको फ्लॉलेस बनाई और एक 6 कैच ड्रॉप के बाद बनाई। देखिए अमेठी की भी बात की, उन्होंने कहा राहुल गांधी को ही होना चाहिए था, बस इस स्टेटस को बदलना चाहिए था, जिस पर भरोसा हो उस पर उम्मीदवार बना दो, ये स्टेटस को बदलना चाहिए था। और प्रशांत किशोर ने कहा कि राहुल गांधी को ही अमेठी से उतरना चाहिए था, उन्हें डरकर भागना नहीं चाहिए था। आपको बता दें प्रशांत किशोर ने बड़ी भविष्यवाणी की है कि इस बार एनडीए की सरकार आने वाली है और विपक्ष कहीं कहीं मजबूत है, लेकिन ऐसे भारी नहीं पड़ेगा बीजेपी पर। आपको दर्शकों बता दें, उन्होंने ये तक कह दिया कि बीजेपी के लिए जो बीजेपी के अगेंस्ट चल रही है केवल उन पार्टियों का प्रदर्शन अच्छा होगा, सभी पार्टियों का नहीं होगा अच्छा, पूरे अलायंस का प्रदर्शन अच्छा नहीं होगा। हाँ, लेकिन अलायंस मजबूत है, लेकिन प्रदर्शन उतना अच्छा बेहतर नहीं होने वाला है जितना वो लोग होने का दावा कर रहे हैं। इस बार फिर से देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार आने वाली है। बता दें आपको, लगातार विपक्ष एजेंडे पर काम कर रहा है और कह रहा है इस बार नहीं आने वाली है 200 सीटों पर सिमटे बीजेपी एनडीए, और कोई कोई कह रहा है 260 सीटें आएंगी। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि एक भी सीटें नहीं आएंगी। इसी बीच तेजस्वी यादव ने बड़ा प्रहार किया है। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि 4 चरण हुए हैं, हम सब सीटें जीत गए। बता रहे आपको, बिहार की सीटों पर मतदान यहां पर हुआ और जिस तरीके से यहां तेजस्वी यादव कमर कस रहे हैं, हालांकि वो खुद व्हीलचेयर पर आ गए हैं, और कैसे 74 साल के नरेंद्र मोदी भारी पड़े तेजस्वी यादव को, मैं आपको बताती हूं। लेकिन नीतीश कुमार भी उतनी जनसभाएं नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन नीतीश की कमियों को पूरा करने के लिए नरेंद्र मोदी खुद चुनावी प्रचार में उतर आए हैं। इतनी तपती धूप के बावजूद बार बार बिहार जाना नरेंद्र मोदी का बता रहा है कि मजबूती दिलाने के लिए नरेंद्र मोदी का चेहरा बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है वहां पे। और बता दें आपको, नरेंद्र मोदी का चेहरा महत्वपूर्ण है ही। यहां पर नरेंद्र मोदी लगातार चुनावी प्रचार में हुंकार भर रहे हैं कि बिहार की सीटें हम जीतने वाले हैं। आपको दर्शकों बता दें, नरेंद्र मोदी पर बड़े बड़ी भविष्यवाणी हो रही है कि इस बार भी वो आने वाले हैं। और इसी बीच यहां पर प्रशांत किशोर की भविष्यवाणी खूब चर्चाएं बटोर रही है। बिहार में लोकसभा की 40 सीटें हैं, बिहार, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र और यूपी, ये 4 राज्य ऐसे हैं जहां पर अधिकतम सीटें हैं, और इन्हीं अधिकतम सीटों की राजनीति तय करती है कि देश का प्रधानमंत्री कौन बनेगा और राजधानी दिल्ली की सत्ता तक कौन पहुंचेगा। इसी बीच आपको बता दें, यहाँ पर लगातार रैली करके जनता से भाजपा के लिए नरेंद्र मोदी वोट मांगने वाले हैं, और सीएम नीतीश कुमार उतना ज़्यादा चुनावी प्रचार नहीं कर पा रहे हैं, इसी वजह से चुनावी प्रचार में ताबड़तोड़ रैलियाँ नजर आ रहे हैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। देखिए तेजस्वी यादव क्या कह रहे हैं, तेजस्वी यादव कह रहे हैं हम सीटें जीत गए, नरेंद्र मोदी क्यों आ रहे हैं यहाँ बार बार। लालू यादव कहते हैं नरेंद्र मोदी आ रहे क्योंकि वो हार गए। ऐसा नहीं है, नरेंद्र मोदी बिहार में भी भारी पड़ने वाले हैं और बिहार में भी भाजपा का जो ग्राफ है वो लगातार बढ़ने की कवायद तेज हो रही है। अरे बर्बाद कर दिया देश को पीएम मोदी, महंगाई, बेरोजगारी और पूरी तरीके से आप देखिएगा गरीबी बढ़ा दिया। मोदी जी से देश चला नहीं, उल्टा दूसरे को सिखा रहे हैं। बता दें आपको, नीतीश कुमार अपनी रैलियों पर कटौती कर रहे हैं। यहाँ 12 मई को जो पटना में नरेंद्र मोदी ने रोड शो किया था उसका जबरदस्त इंपैक्ट पड़ा था और नरेंद्र मोदी की डिमांड हर जगह बढ़ती जा रही है, और इसके साथ बिहार में उनके साथ बड़े दिग्गज नेता मौजूद थे। पीएम मोदी को जनता का भरपूर समर्थन मिला है और 6ठे चरण की वोटिंग से पहले 21 मई को बिहार में रैली कर जनता से भाजपा के लिए उन्होंने वोट मांगा। पीएम मोदी सीवान और पूर्वी चंपारण में
ताबड़तोड़ रैलियां कर एनडीए प्रत्याशियों के लिए वोट मांगा। बता दें, भीषण गर्मी के बावजूद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनता के बीच जाने से हिचक नहीं रहे। यानी कल 21 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीवान और पूर्वी चंपारण में ताबड़तोड़ यहां रैलियां करते नजर आएंगे। और नरेंद्र मोदी 74 साल के हैं और तेजस्वी पर देखिए कैसे भारी पड़ गए हैं। तेजस्वी यादव अभी बता रहे आपको उम्र में उतने पड़ाव पार भी नहीं किए हैं और अभी वो व्हीलचेयर पर आ गए। तभी तो एक बात हो रही थी ना कि तेजस्वी यादव देखिए इतने छोटे हैं नरेंद्र मोदी से, वो व्हीलचेयर पर आ गए। और नरेंद्र मोदी 74 साल के होकर भी बूस्टर डोज लेकर निकले हैं, किस तरीके से वो लगातार चुनावी प्रचार कर रहे हैं बता रहे आपको। इस पर कह रहे हैं केंद्र सरकार के पकाऊ भाषण थकाऊ भाषण से लोग उब गए हैं। तेजस्वी यादव कह तो रहे हैं और कह रहे हैं हमने बहुत काम किया 17 महीने में, नरेंद्र मोदी नहीं आ रहे, लेकिन देखने वाली बात होगी कि इस बार क्या होता है। और भले कह रहे हैं हम तो चुनावी मैदान में जीत चुके हैं, अब की बात 300 पार, बेतिया के एक चुनावी जनसभा में उन्होंने बोला। और जबकि अमित शाह ने एक चुनावी जनसभा में कहा कि राहुल बाबा को 40 तो लालू जी को 4 सीटें भी नहीं आ रही हैं। तो देखने वाली बात होगी कि इन सीटों पर क्या होगा फैसला। फिलहाल आप अपनी राय रखिए, आपको क्या लगता है बिहार में किसका चमत्कार और तेजस्वी यादव पर भारी पड़ेंगे नरेंद्र मोदी, जाहिर सी बात है। और इधर प्रशांत किशोर ने कहा कि जगन मोहन रेड्डी को 151 सीटें से ज्यादा आ गए तो मैं मुंह पर गोबर पुतवा लूंगा और तीसरी बार नरेंद्र मोदी की सरकार आने वाली है। अपनी राय रखिए, शुक्रिया। अच्छा मेरा एक काम करेंगे सबके सब जरा हाथ ऊपर करके बताएं तो मैं बताऊं काम। मेरा एक काम करेंगे, पक्का करेंगे। देखिए अभी आप ये राजीव रूड़ी के लिए गांव गांव जाते होंगे, चुनाव प्रचार करते होंगे, लोगों से मिलते होंगे, कहीं पर भी अगर आपको गांव में कोई ऐसा परिवार नजर आए जो आज भी झोपड़ी में रहता है, घर उसका कच्चा है, अगर उसके यहां शौचालय नहीं है, अगर उसके यहां नल से जल नहीं पहुंचा है, अगर उसके यहां गैस का कनेक्शन नहीं है, तो आप उसका डिटेल लिख करके मुझे भेज दीजिए और उसको कह देना कि मोदी जब तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेगा ना, जो रह गए हैं उनका भी काम हो जाएगा। और आप बिना चिंता किए, ये मोदी की गारंटी है, बता देना, मेरे लिए तो आप ही मोदी है। हर घर में साफ पानी पहुंचे, महिलाओं को शौच के लिए बाहर जाना न पड़े, बहनों को चूल्हे के धुएं में साथ न लेनी पड़े, जीवन की ऐसी छोटी छोटी चीजें, छोटी बड़ी जरूरतें, इनकी चिंता मोदी ने की। और ये मैं किताबों में पढ़ के नहीं आया था, इसके मैंने किसी का टीवी वीडियो मंगवा के नहीं देखा था, मैं उस जिंदगी को जी करके आया हूं। मैंने गरीबी को जिया है, इसलिए गरीब के दुख दर्द समझने के लिए मुझे किसी डेलीगेशन की जरूरत नहीं पड़ती है। और इसलिए मेरे हर काम में, मेरी हर योजना में मेरा देशवासी उसके मध्य में होता है, क्योंकि मैं और इसका सबसे ज्यादा फायदा किसे हुआ, हमारे बिहार जैसे राज्यों को हुआ।